what's up, bro? अरे वाह यार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पॉप सिंगर्स आए हुए हैं, क्या बात है यार। पॉप सिंगर कह दिया ना, पॉप वाले लोग हैं, पॉपी लोग। नहीं नहीं सर, आप लेकिन पहले मिल लिए, पॉप सिंगर्स यहाँ पे, मीट द पॉप बैंड। पॉप बैंड मतलब ये कैसे पॉप बैंड? अरे म्यूजिक के नाम पे इन्होंने जितना पॉप किया है ना, इनका पॉप का घड़ा बहुत जल्द भरने वाला है, चलता रहता है सर। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक में खाली एक चीज है जो हमको बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? तंबूरा। इंस्ट्रूमेंट है तंबूरा, नाम में ही बुरा है तो बुरा ही लगेगा। होता है यार। लेकिन सर आप पंजाब से हैं, आप भी पंजाब से हैं, आप भी पंजाब से हैं। नहीं, मैं गुजरात की हूँ। नहीं, well, actually, I'm a Bombay girl, but गुजराती हूँ। अरे यार, तभी हम सोच रहे हैं कि शो को शुरू हुए 8 साल हो गए, आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? पंजाब से नहीं है ना? नहीं, लेकिन आप इतने टाइम से यहाँ पर आए नहीं, जबकि आपका गाना खुद प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं। कौन सा गाना? मेड इन इंडिया है कि नहीं? करते तो है। लेकिन सर आपको हम जरा सूचित करना चाहेंगे, सूरत ना इज ए सिटी इन गुजरात, और वहाँ पे कपड़ों का काफी ऐसे व्यापार होता है। तुमको क्यों बता रहा है सूरत के बारे में? यही पूछते रहते क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, बता रहे हैं कि क्या सूरत है। यार कमाल है। लेकिन सर आपका क्या गाना था सर? ओहो, जवानी के दिनों में आपको सच बता रहे हैं, पापा की गाड़ी लेके लड़कियों को घुमाते थे ये गाना सुनाते हुए। अरे जवानी के टाइम बहुत लड़कियों को छोड़ा हमने। तू तो कह रहा तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। हाँ तो सबको छोड़ दिया ना यार, फिर कहाँ से होगी? बता तो रहे हैं बहुत लड़कियों को छोड़ा है, छोड़ दिया। काश एक को रिटेन कर लिया होता हमने, तो हम भी उससे कहते क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है। थैंक यू। मैं बताती हूँ आपको, मैंने सब सुन लिया है। अरे यार, अरे यार क्या? अरे बीवी, मैं अनस आपसे बात बाद में करूंगी। हेलो देवर जी। हेलो भाभी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इतने सारे सिंगर, ओ माय गॉड। सारा दिन कोई जगह नहीं छोड़ती है, जहाँ इसको पता चला कौन आया है क्या नहीं आया, तुरंत ये बोली डालनी शुरू कर देती है। हम तो आपको बता रहे हैं, कल परसों ना शादी पर गए थे, हमने खाना वाना खा लिया, हमने इससे कहा कि भाई अब जरा लिफाफे में शगुन डाल दो, शगुन नहीं डाला, वहाँ पे भी बोली डाल रहे थे, शगुन शगुन लिफाफा लिफाफा, पैसा पैसा, डालो डालो डालो। घर चलो, बोलियां नहीं, आपके अंदर गोलियां डालूंगी मैं। कहां गोलियां वोलियां डालने की बात कर रहे, इतने सभ्य लोग आए हैं प्यार, बात करो ना यार। जस्सी जी आपको तो हम बताना भूल गए, कॉलेज के दिनों में एक बार आप हमारे कॉलेज में आए थे शो करने के लिए। ओहो हो, और आपके गाने पे सबसे ज्यादा डांस किसने किया था? दी बच्चा यादव ने। बाजी आप तो शो करके चले गए थे, पीछे आपके 21-22 घंटे अकेला नाचता रहा। सच्ची कह रही हूँ पाजी, 14-15 टीचर इन्होंने अपने पैरों के नीचे रोन दिए। वो तो प्रिंसिपल समझदार था, उन्होंने इनको लाल कपड़ा दिखा के ना रुकवाया। आए बड़े, और मेरी बात सुनो, ये ना बातों बातों ना टॉपिक चेंज मत किया करो। क्या बकवास कर रहे थे मेरे बारे में? मैं इधर आई हूँ आपके मुँह पे, अब जो बोलना है मेरे मुँह पे बोलो। सुन रहे हैं, जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, नो रिस्पेक्ट फॉर पति, जरा ऐसा नहीं कि पति खड़ा है सामने, थोड़ा सा ख्याल रखे। मैं क्या रिस्पेक्ट करूं यार, चीफ मिनिस्टर की गोद में बिठा के आपको रोटी खिलवाऊं? कितना प्यार करती, कितनी केयर करती हूं, भूल गए वो दिन सर्दियों के जब मैं पानी गर्म करके दिया करती थी आपको? तो क्यों पानी गर्म करके देती थी ये भी तो बताओ, हमसे कपड़े धुलवाती है, बर्तन मंजवाती है, इसलिए पानी गर्म करके देती है, दैट्स इट, नो अदर रीजन। देखा कितनी गुणवंती है, शादी से पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, शादी के बाद देखो पोचा झाड़ू बर्तन कपड़े भाजी धोने बच्चों को नहलाना फिर ऐसा पाउडर डालना उनकी टांगों में, सारा कुछ कर लेते हैं। हाँ। किसकी वजह से? अलीशा जी मेरी वजह से। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने, देखा परफेक्ट, ऐसा ही पति चाहिए। हाँ, मोस्ट मैरिड मैन बहुत दुखी लगते हैं। सही कह रही हैं आप, ये चाहे ना तो 4-5 घरों में काम करके महीने का पाजी 10-15 हजार तो कहीं भी नहीं गया। मजा ही आ जाएगा। सफाई से याद आया, दिवाली आ रही है, घर की सफाई की है। लॉकडाउन में 9 महीने हमने सिर्फ सफाई की है, सारे जाले उतार दिए, अब क्या मकड़ियों का पेडिक्योर मैनिक्योर कर दे क्या? देखो यार मेरे पे गुस्सा कर रहे हो ना,
जब मेरे यहाँ आग के पास आपका थूक गिरता है मुझे पता चल जाता आपने मेरे पे गुस्सा किया। दिन त्योहार का वक्त है, जाओ बाजार जाओ दिए लाओ। मैं ना आज पूरे घर में दिए जलाऊंगी। ना तुम मत जलाना, तुम मत जलाना। पिछले साल पूरे घर में इसने दिए जलाए थे, फ्रिज खोल के उसके अंदर भी दिया जला दिया। सुबह तक पूरी की पूरी आग फ्रीज हो गई थी फ्रिज में। अच्छा जी, अपना बताया इन्होंने। मैंने कहा पिछले साल जसबीर बाजी, मैं कहा छोटे छोटे हमारे बच्चे है, बाजार जाओ उनके लिए डाइपर मिठाई लेके आओ। ये बंदा इतना पागल है ना, ये डायपर में मिठाई लपेट के ले आया। ठीक है, उसको अलग करके डायपर पहना देती, मिठाई खिला देती, लेकिन नहीं, इसने मिठाई पहना दी, डायपर खिला दिया। ये लो। देखा देवर की जुबान कितनी चलाता, मैं इसकी जुबान किसके नाड़ा बनाना है। कितनी जुबान चलाते हो आप, हाँ? जवाब देने का इस बंदे को इतना शौक है ना, जाके बच्चन साहब के सामने वाली कुर्सी में बैठ के जवाब दो और सार पैसे भी कमाओ। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं साल दिवाली में जब दिए का प्रकाश निकलेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में भी वो जरा उजाला करे। उजाला करे। अगर वही उजाला घर में टाइम से कर लिया होता ना तो आज हमारे 11 बच्चे ना होते। तब तो बड़ा ऐसा हाथ रख के दिया बुझा देते थे। आए बड़े इधर अपने चिराग चिराग रोशन होते रहे। पाजी बच्चों से मुझे याद आया, दिवाली है, बच्चों को पटाखे कौन लेके देगा, बच्चों का प्यो या मेरा प्यो? तुम्हारे बाप का दिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रूफ हमारे सामने है। मेरा पियो, तेरा पियो। मैं जरा इनको अंदर लेके जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि मेरे बाप ने कौन सी अच्छी चीज दी है। कुछ नहीं बताती, खाली बातें कर रही है। अंदर जाके ऊट पटांग हरकतें करती है, फिर बाद में बताना सब हमें पड़ता है कि ज्यादा चोट यहाँ पे आई है, इधर देखो पर्पल हो गया है, यहाँ देखो आलू निकल आया है, सब हम बताते हैं। फिर जाके हल्दी का दूध हमारे लिए लेकर आती है। ओ, तो यही तो होता है यार पति पत्नी का हल्दी रिलेशन। मैंने सब अर्चना जी से सीखा है। ठीक है, तो हमारा टर्न आ गया है थोड़ा। हाँ, चले अंदर, तो चलते हैं। आओ आओ, लेकिन नीरज जी मैंने एक बात कहनी है आपसे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आओ, आओगे ना, आपकी और मेरी सेम कटिंग होगी, देखना। देखना, चलिए, बाय ऋषा जी, बाय ऋषि भाई, बाय बाय बाय, आइए अंदर अंदर अंदर। हाँ, आ रहा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीरज सर, जस्सी बाजी और अलीशा जी के लिए। आइए। जस्सी बाजी, नीरज बाजी, अलीशा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आज आप तीनों के साथ बातें करके, गाने सुन के। एक बार जोरदार तालियां अलीशा जी, जस्सी बाजी और नीरज सर के लिए। सर थैंक यू सो मच, अलीशा जी थैंक यू सो मच, जस्सी बाजी थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बहुत। और आपके गाने तो मजेदार हैं ही, लेकिन आपकी बातें इतनी मजेदार आज हुई हैं कि दिल नहीं भरा अभी भी। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए। थैंक यू पाजी। अर्चना जी, हमेशा दिवाली पे बोनस भी मिलता है ना, तो आज हम अपने दर्शकों को भी बोनस देने वाले हैं और बुलाते हैं हमारे और कुछ खास मेहमानों को। हाल ही में एक सीरीज आई है जिसने बड़ी बड़ी वेब सीरीज को पीछे छोड़ दिया रेटिंग में। और ये सीरीज देख के हर कोई यही बोल रहा है कि रिस्क है तो इश्क है। आय हाय, क्या मजेदार खूबसूरत लाइन है, इश्क है। मैं बात कर रहा हूँ सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी की। और आज इसकी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सो प्लीज वेलकम द मास्टर फिल्म मेकर मिस्टर हंसल मेहता, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स प्रतीक गांधी एंड श्रेया धनवंतरी। तीनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और साथ साथ आपको स्कैम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सर, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी को स्कैम के लिए बधाइयां मिल रही हैं? नहीं तो आज तक हमारी कंट्री में जिन्हों जिन्होंने स्कैम किए हैं, कोई लंदन, कोई किधर, कोई किधर, नहीं, ये पहले लोग हैं स्कैम करके टीवी शो पे आगे बता रहे हैं कि हमने स्कैम किया है। बनता है सर, बनता है, ट्रूली डिजर्विंग सर। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सर एक बड़ा मन में सवाल आ रहा था कि आपको हर्षद मेहता की स्टोरी में सच्ची में इंटरेस्ट था कि उनके चक्कर में आपके भी पैसे डूबे थे? नहीं, मैं उनके चक्कर में ना कई बार प्रॉब्लम होता था। अच्छा, मैं फोन करता था कि कई हंसल मेहता का फोन है, तो बोलते थे उसको कि वो हर्षद मेहता का फोन है आपके लिए। तो बहुत लोगों ने मेरे फोन उठाए कि हर्षद मेहता है। तो अभी भी जो सोनी के है दानिश खान,
उन्होंने स्कैम का पूरा मतलब प्रेजेंटेशन बनाया अपने मैनेजमेंट के लिए और कहा कि हंसल मेहता ने 500 करोड़ चोरी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. तो बोला अरे भाई चोरी हर्षद ने की है, हंसल मेहता ने चोरी नहीं की है. तो अब शो क्योंकि चला है तो शायद सोनी को पैसे वापस मिल गए होंगे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.